भैया आ गए। खत्म हो गया तुम लोगों का हॉरर शो? हो क्या, लेकिन अस्मा भाभी पे बस आपके असरात आ गए। क्या मतलब मेरे असरात आ गए थे? मतलब ये कि जब वहां जाने की बारी आई ना, तो कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा रही। क्या तू लोग अंदर नहीं गए? मैं बस अकेले गई थी, अस्मा भाभी नहीं गई मेरे साथ, क्योंकि अस्मा भाभी कहने लगी मेरी तो जिंदगी में ही इतनी चुड़ैलें हैं। नहीं, अब इसका मतलब है कि मुझे डरावने ख्वाब आते हैं ना, मैंने आपको बताया तो था पहले। हाँ हाँ मुझे याद है, तुम तो पूरा हफ्ता सोई नहीं थी, इतनी कमजोर दिल की हो तुम। वो तो है कमजोर दिल की, लेकिन जो मजबूत दिल का है वो कौन सा चल लिया मेरे साथ। तो भाभी आप मुझे कह देती मैं चला जाता, आपको पता है मैं निडर आदमी हूं। निडर जानते हैं तुम सबसे ज्यादा डरपोक हो। जब तुम्हारी समन से शादी हो जाएगी ना, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा उसके आगे। लेकिन कैसे होगी इसकी शादी? कोई जादू की छड़ी चलेगी और फिर अचानक से शादी हो जाएगी बस? अरे कोई मौका बनेगा, कोई बात चलेगी, फिर ही तो बात आगे बढ़ेगी ना। बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगी। आप संभाल लेंगी? क्या मतलब आप दोनों की दोस्ती हो गई है? एक एक करके सबसे दोस्ती कर तो रही, बस तुम रह गई हो। लेकिन तुम्हें तो वैसे भी चुड़ैलों से डर नहीं लगता ना? अच्छा भैया आप चलें, सब हो गया? नहीं नहीं अभी हम लोग उससे रहते हैं। क्या है नू बच्चों का, बस घर चलो। अब जब भी चलने का कहते हैं एक तुम्हारा झूला रह जाता है, बस बहुत राइड्स हो गई, चलते हैं। बस ये आखिरी दफा है, उसमें सीधे घर जाना है। नहीं नहीं चलो चलो चलो, कहाँ है रोलर कोस्टर? उधर ही है।